सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। जयप्रकाश जनता दल राजनीति को सेवा का माध्यम मानती है, इसीलिए जयप्रकाश जनता दल भविष्य की राजनीति को एक नई दिशा देगा, यह मानना है जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय का। पेश है उनसे महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद की परिस्थितियों पर एक विवेचना। पंकज जी, अभी जो विधानसभा के चुनाव जो निकले हैं, नतीजे जो आए हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के, उसमें आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए जितेंद्र जी, सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और हमारे सारे देशवासियों को और हमारे इष्ट मित्र और प्रिय देशवासियों को, सभी को मेरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपका सवाल यह है कि वर्तमान में जो जनादेश जनता ने दिया महाराष्ट्र और हरियाणा में, उसके रिजल्ट के पहले तो जो आकलन हुआ सो हुआ, अब जो आकलन हो रहा है कि ऐसा क्यों, ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी कर रही है, एनसीपी भी कर रही है, अदर पार्टियां भी कर रही हैं कि कहीं कहीं अगर देखा जाए तो ठीक है, शिवसेना अलायंस है बीजेपी की, लेकिन एनसीपी ने भी अच्छा जनादेश लिया है। तो क्या मोदी की या राज्य सरकार का जो मुखिया मुख्यमंत्री हैं उनके विश्वसनीयता पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक हो रहा है जनता को, ऐसा क्या है? यह सवाल लोगों के मन में उठा इस रिजल्ट के बाद। लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि जो संसदीय लोकसभा क्षेत्र की जो चुनाव होती है या संसद सांसदों का जो चुनाव होता है वो एक अलग रोल प्ले करता है, और जो राज्य विधानसभा की चुनाव होती है उसमें क्षेत्रीयता बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि किसी की विश्वसनीयता पे कोई सवाल उठ रहा हो या कुछ हो रहा हो। मैंने जो देखा कि हरियाणा में जिस तरीके का जनादेश मिला, हंग विधानसभा आया और उसमें दुष्यंत चौटाला जी का एक बहुत बड़ा रोल हुआ, तो कहीं न कहीं एक जातीय समीकरण और लोकल मुद्दा बहुत मायने रखा है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के मुद्दे पे भी कई जगह हावी रहे। अब देखिएगा चुनाव प्रचार में, जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी या माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जहां भी गए हैं, तो उन्होंने 370 और देश में NRC और भी बहुत सारी ऐसी नेशनल लेवल की चीज़ें थी जिनका उन्होंने भाषण में भरपूर प्रचार में उपयोग किया है, तो उसका असर तो कुछ हुआ ही होगा। लेकिन जो उनका नेतृत्व है, जैसे महाराष्ट्र का नेतृत्व ले लीजिए देवेंद्र फडणवीस जी का, या आप हरियाणा का नेतृत्व ले लीजिए मनोहर लाल खट्टर जी का, तो कहीं न कहीं इस पे लोगों को शंका हुई है कि हमारा जो मुखिया है, जो राज्य का जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरीके की अपेक्षाएं लोगों को थी उस पे वो खरे नहीं उतरे हैं, जिस वजह से कहीं कहीं जा करके जो उनके नियर जो समस्याएं या उनका जो जातीय समीकरण या कुछ और भी इशू हैं जो लोकल इशू होंगे वो कहीं मायने रखी हैं। और बाकी पार्टियां जो करती रहती हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि EVM का मैटर, EVM का तो मैटर होता नहीं है, ये सब तो लोगों को आईवास करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए बोला जाता है, वो संभव भी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि BJP के जो मुखिया रहे, जैसे मनोहर लाल खट्टर रहे या फडणवीस रहे, इन लोगों पे थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। हालांकि मोदी जी ने दोनों पे अपने विश्वास को उतना ही जताया है जितना पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने जताया था, और उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जोड़ तोड़ की सरकार से एक चीज तो मतलब कमजोर पड़ेगी कि मनोहर लाल खट्टर अब उतने मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी की जो तलवार है वो अभी तो जो भी है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके वो लटकती ही रहेगी और कांग्रेस भी अपने डोरे डालती ही रहेगी। तो यह एक मजबूत सरकार की, जो चौटाला जी बोल रहे थे कि मुझे अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तो मुझे BJP को मदद करना है, यहाँ पे कुछ हमें थोड़ा सा शक हुआ, स्टेबल गवर्नमेंट हुई कहाँ? जब क्लियर मेजोरिटी होती तो स्टेबल गवर्नमेंट हुई, आपके जो अपने जो पर्सनल इश्यूज जब आएंगे तो कहीं ना कहीं जाके ब्रेक कर जाएगा। तो
तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जहां तक विश्वसनीयता है मोदी जी की, तो मोदी जी की विश्वसनीयता कायम है। लेकिन इनके जो सूबेदार हैं, जो राज्य के मुख्यमंत्री मुखिया हैं, इन पे विश्वसनीयता का सवाल जनता ने खड़ा कर दिया है। अच्छा, शिवसेना जैसे एक धमकी भरा अंदाज में कह रही है कि मुख्यमंत्री हमें मिलना चाहिए, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपको क्या लगता है कि यह गठबंधन हो सकता है? देखिए, शिवसेना जहां तक बात है, देखिए बाल ठाकरे के समय शिवसेना की स्थिति कुछ और थी। अभी उद्धव ठाकरे जब आए तो अब उसमें बहुत सारी बातें, देखिए मन से राज ठाकरे अलग हो गए इनसे, जबकि बाल ठाकरे ने अपना जो उत्तराधिकारी का रूप देखा था जिस चेहरे में, वो था राज ठाकरे। लेकिन उद्धव ठाकरे के आने के बाद और जो इनके जो सीटें आई हैं इस बार, उस हिसाब से शिवसेना को एक मनोबल ऊंचा हुआ है। तो मनोबल ऊंचा हुआ है तो अलायंस तो किसी भी हालत में बीजेपी के ही रहेंगे, क्योंकि इनका जो बेसिक जो आइडियोलॉजी है वो हिंदूवादी विचारधारा वाली है। तो हिंदूवादी विचारधारा वाली कभी भी ये किसी अदर पार्टी से अलायंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जब एक बार सीटें अच्छी आ जाएं, तो लगता है कि जी मैं भी अपने हिसाब से अपने राज्य के लिए कुछ कर पाऊं, तो उसके लिए ये लोग अपना एक होड़ सी लगी रहती है कि सूबेदार कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसके लिए उन्होंने नेगोशिएशन करने की कोशिश करी। इंटरनल बहुत सारी नेगोशिएशंस होती हैं एक पार्टी चलाने के लिए, बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं जो आम जनता को पता नहीं होता, पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। तो उन लोगों को उसको भरपाई करने के लिए एक चुनाव में काफ़ी कुछ होता है। अब संजय राउत का बयान आप देख लीजिए, उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हम तो मजबूत स्थिति में उधर को उतरे हैं और मैं तो 50-50 का वो लूंगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट तो यूपी में भी हुए हैं, 50-50% पे बीजेपी ने काम किया था, मायावती के साथ ही काम किया था, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल रोल ऑफ मॉडल नहीं है। हाँ, ये है कि अब इनको अगर दोनों को शिवसेना एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहती है और भी राज्यों में भरना चाहती है, तो ये एक मौका है, तो वो नेगोशिएशन कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा मॉडल होगा। लेकिन हाँ, ये साथ देंगे, और मुख्यमंत्री तो खैर महाराष्ट्र में बहुत तो कुछ खास अंतर होने वाला नहीं है, शिवसेना इनके साथ रहेगी और कुछ कुछ बातों पे इनको बीच बीच में अपने मसले उठाते रहेगी। अच्छा, पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें तो जैसे मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं वो कांग्रेस जीती है, वहाँ बिहार में भी RJD का समर्थन मिला है, और जैसे और राज्यों में अलग अलग तरीके की हुई है, संपूर्ण परिदृश्य में आप क्या देखते हैं? संपूर्ण परिदृश्य में यह देखता हूं मैं कि जो सच्चाई है, मैं उस बात को कह रहा हूं कि जो रीजनल लेवल पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक होता है लहर। आप देखिएगा, एक बार बहुत पहले वीपी सिंह की सरकार जब बनी थी, तो वीपी सिंह जब निकलते थे तो एक नारा था, राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। और यह चक्र छाप जो है ये बहुत जबरदस्त, मतलब मैं तो उसमें बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मैं देखा हूँ, याद है मुझे कि देवीलाल जी और ये सब जो सरकार मिलके बनाए, सब SR मुंबई थे और सब वगैरह वगैरह थे, यशवंत सिन्हा थे, चंद्रशेखर थे, कई लोगों बड़े नेता उसमें थे शामिल। तो इन लोगों का जब रैली होता था या कार्यक्रम होता था, शहर का शहर जो है, शहर मतलब घर छोड़ के बाहर निकल चुका होता था, जहां भी पब्लिक मीटिंग होती थी। तो अभी मोदी जो लहर है, वो मोदी लहर तो बरकरार है, लेकिन चूंकि उपचुनाव में लोकल मुद्दे काम करते हैं, चाहे वो संसदीय का चुनाव हो या विधानसभा का हो, तो उसमें कहीं कहीं, जैसे आप ले लीजिए, कहीं पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि एक कैंडिडेट को देना है और उसमें डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा उतना ध्यान होता नहीं है राष्ट्रीय पार्टियों का, तो वो लोकल मुद्दे असर करते हैं, लोकल मुद्दों पर निकले हैं। मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ कि उसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बातें हैं नहीं, ये बहुत ही लोकल इशू के मुद्दे हैं, और उसमें कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कैंडिडेट अच्छा है तो निकल जाता है, तो लेकिन मोदी लहर बरकरार है। अच्छा, बात करें जयप्रकाश जनता दल की, तो बिहार में जयप्रकाश जनता दल का भी कुछ अच्छा आधार है? देखिए, जयप्रकाश जनता दल एक्चुअली क्या है कि जयप्रकाश जनता दल जब से कार्य कर रहा है क्षेत्र में, तो मेरी अपनी मंशा यह थी कि राजनीति में सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता के होड़ में हम पैसा फेंकें, लोगों को झूठ सच बोल करके या उनको लालच दे करके किसी तरह से अट्रैक्ट करें। एक्चुअली क्या है, मैंने जब देखा है अपने संगठन विस्तार में भी,
तो लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि राजनीति में जिस पार्टी से जुड़ो तो उनसे पैसा ले लो पहले और उससे अपना जो है लविश लाइफ जियो या बर्बाद करो। तो वो राजनीतिक जो सोच होती है वो नहीं है। तो हमने तो पहले ये कहा है कि पहले ऐसे लोग इकट्ठा करो जो राजनीति को, जो लोग कहते हैं ना कि गंदा हो गया है, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, ये सब शब्दों का जो इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से IIT निकलता है, जिस तरीके से IAS निकलता है, उस तरीके से अगर राजनीति में भी कोई प्रोडक्ट निकलना शुरू कर दे जो आइडियल हो। पहले की राजनीति थी, लाल बहादुर शास्त्री के पहले आप उठा के देख लीजिए, आप नेहरू के समय भी देख लीजिए, या और भी पहले की राजनीति भी देख लीजिए, एक एक आदमी में वो था, कहने का मतलब कि उनमें एक गंभीरता थी, एक उनका वर्चस्व था जनता पे ऐसा कि वो प्यार करते थे लोग। अभी राजनीति का ऐसा गंदा चरित्र उभरा, वो किस लिए? क्योंकि कुछ लोकल गुंडे, मवाली, ये सब टिकट पा करके MLA बन गए, MP बन गए, और ये कहीं भोंडे डांस करना, कहीं गोली चलाना, कहीं बंदूक, कहीं रंगदारी करना, ये इनकी परंपरा बन गई, और ये मूवी में भी खूब दिखाया। तो राजनीति को लोग गंदा समझने लगे। हालांकि सबसे अच्छी चीज़ है, स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छे लोग, अच्छी मानसिकता के लोग आने की जरूरत है। जयप्रकाश जनता दल अभी यह प्रयास कर रही है कि हमारे नए जनरेशन से अच्छी मानसिकता के अच्छे लोग जो समाज सेवा, देश सेवा में लगे, वैसे लोग आए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि सत्ता में कब पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, वक्त बताएगा, देखा जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।